तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई, बढ़िया होने चाहिए। सबसे पहले नीचे राम राम लिखते हो कि जब जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से ग्रेटिट फील होता है। गाइस आज तबीयत में बहुत ज़्यादा सुधार है। कल मैंने इंस्टाग्राम पे पूछा था मेरे कुछ भाइयों से, दवाइयाँ बहुत सारी सजेस्ट करी थी एंड जिसमें मेरे को सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा है वो है ये। तो ये जिसको भी अगर सूखी खांसी हो रही हो ले लेना भाई, बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। क्या इस बात करें हम लोग आज मारुति सुजुकी स्विफ्ट फेसलिफ्ट 2024 की, तो गाड़ी के लिए एक्सक्लूसिव डिटेल्स तो मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि गाड़ी जो है पूरी की पूरी लीक हो चुकी है। हम लोगों ने उस गाड़ी की बहुत सारी इमेजेस देखी हैं एंड कुल मिला के जो गाड़ी है, आई डोंट नो, मारुति भी ना इस बार मुझे नहीं लग रही कि वो बहुत ज़्यादा इस गाड़ी को प्रमोट करना चाहते हैं। बहुत अजीब अजीब से टीजर्स, इतने इंटरेस्टिंग टीजर्स नहीं ला रहे हैं एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने इनके टीजर्स में देखी है, तो वो वाली हाइप मारुति क्रिएट नहीं कर रही है। मे बी दे नो कि ये प्रोडक्ट तो बिकना ही है। एनीवेज बात करें हम इस गाड़ी के बारे में, तो देखो सबसे पहले मैं आपको इसकी प्राइसिंग बता देता हूँ। 6.40 लाख रुपीज़ के आसपास अब की बार कंपनी की जो प्राइसिंग है एक्सपेक्टेड है कि 6.40 लाख रुपए के आसपास इसकी प्राइस आ जाएगी एंड टॉप एंड मॉडल्स ऑब्वियसली बातें ऊपर जाएंगे। दूसरा डाउट, मैं पहले डाउट क्लियर कर रहा हूँ फिर गाड़ी के बारे में आपको जितने डिटेल बताऊंगा। सेकंड चीज जो सबसे बड़ी अहम आज है ये आई है कि कुछ लोगों को अभी तक सीएनजी वेरिएंट किसी ने नहीं दिखाया, बट यहाँ पे साइड में आपको चल रही हो कि मैंने बहुत पहले बताया था कि मारुति सुजुकी स्विफ्ट फेसलिफ्ट 2024 का सीएनजी वेरिएंट भी जो आपको 100% देखने को मिलेगा, तो वो भी कंफर्म हो चुकी है चीज कि इसका सीएनजी वेरिएंट जो है आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत ही जल्द आने वाला है। अभी स्टार्टिंग में इसमें आप लोगों को कुल मिला के 5 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। जो बेस मॉडल रहेगा वो LXi रहेगा, सेकंड वेक्स रहेगा VXi, फिर VXi ऑप्शनल, ZXi एंड ZXi प्लस नाम से आ सकता है, फिर ZXi ऑप्शनल नाम से आ सकता है। तो ये जो है कुल मिला के आपको 5 वेरिएंट्स हमारी मारुति सुजुकी फेसलिफ्ट 2024 में देखने को मिलने वाले हैं। इसी के साथ साथ गाइस बात करें हमें बेस एंड वेरिएंट्स, अब की बार आपको इस गाड़ी में सारी की सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि पावर विंडोज आने वाली हैं, उसी के साथ साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है बेस एंड मॉडल से ही आने वाला है, 16 या 15 इंच के अलॉय व्हील जो है वो दिए जाएंगे। देखा इस गाड़ी की एक चीज मेरे को बड़ी बुरी लगी कि गाड़ी की जो देखिए सामने आपको आ रही होगी, गाड़ी का जो रियर है वो थोड़ा सा अटपटा मुझे लग रहा है बेस एंड मॉडल्स में। हालांकि हमने जब ये ऑटो एक्सपो कहां पे देखी थी वहां पे शायद ऐसे एंगल्स नहीं आते, बट कहीं ना कहीं मुझे जो है डैटसन गो प्लस वाली जो वाइब है इस गाड़ी में देखने को मिल रही है। देखिए साइड में मैंने कंपैरिजन भी दिखा दिया होगा, तो वहां से आप लोग भी देख सकते हो कि डैटसन गो प्लस जो है वैसी ही कुछ हमारी मारुति सुजुकी स्विफ्ट फेसलिफ्ट 2024 देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ अगर मैं फ्रंट बात करूं तो फ्रंट में भी आपको ये जो गाड़ी है रेनो की स्काला जैसी वाइब्स देने वाली है, तो कहीं ना कहीं कंपनी ने निसान और रेनो के जो डिजाइन है शायद उनको कॉपी करके इस गाड़ी को बना दिया है यहाँ पे। बट चलिए वो सब छोड़ते हैं, वो अपना सोचने का नजरिया होता है अपना अपना, यहाँ पे मेरा ऐसे था, मे भी शायद रॉन्ग भी होगा। बेस एंड मॉडल से बता देता हूँ, अब की बार काफी अच्छी चीज ये आई है कि फ्रंट में आप लोगों को प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स बेस एंड मॉडल से मिलेंगे। मैंने पिछली वाली वीडियो में बोला था कि इसमें शायद मैंने मेरे पिछले वाले जो वीडियो है उसमें बोला था कि आपको इसमें बेस मॉडल से ही DRL देखने को मिल सकती है, बट नहीं वो गलत है। इसका जो बेस मॉडल, देखिए अपनी गलती मैं खुद सुधार लेता हूँ, ये चीज है, इसका जो बेस मॉडल है उसमें आप लोगों को क्रोम गार्निश देखने को मिलेगी, जो अंदर वाला अपना बेसिकली हेडलैम्प है उसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे, बट उसमें आपको येलो हेलोजन लाइट मिलेगी जो आप चेंज कर सकते हैं। बल्ब का नंबर भी बता देता हूं, तो 9005 जो है इसमें आपको LED मिलने वाली है, जो आप हमारी ऑटोमैक्स की खरीद सकते हैं, बिकॉज ऑटोमैक्स की जो LEDs हैं वो बहुत ज्यादा बढ़िया होती हैं एंड उनकी जो रोशनी होती है वो अपार होती है, इतनी ज्यादा जबरदस्त होती है। तो सामने आपको दिख भी रही होगी ऑटोमैक्स 185 वॉट्स LED है जो आप अपनी स्विफ्ट में लगवा सकते हो। कोई सी भी गाड़ी हो आपको सभी की सभी ऑटोमैक्स LEDs जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को बेस्ट रेट पे, 2 ईयर्स की इसमें रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है, तो देर की चीज के फटाफट आप लोग जाके मॉडिफिकेशन वाले से परचेस कर सकते हो ऑटोमैक्स के LEDs। अब इसके बाद जो है हमारे पास कुछ और डिटेल्स आई हैं, जैसे कि इस गाड़ी में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है अब की बार 3 सिलेंडर का इंजन। अब 3 सिलेंडर का जो इंजन है उसके बारे में आपको बात बताता हूँ। देखिए इंजन जो है छोटा बनाया गया है एंड कुछ लोगों को इससे ये भी शिकायत है कि जो इंजन होगा उसमें अंदर वाइब्रेशन आएगी, नॉइज आएगी, बट मैं आपको बताता हूँ जो ZLE इंजन है ये काफी ज्यादा रिफाइंड इंजन है फ्रॉम मारुति एंड ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो इसमें आप लोग रिफाइनमेंट की उम्मीद कर सकते हैं। एक चीज और मैं बताता हूँ, कई लोगों को ये डाउट भी होगा कि इंजन पैपी नहीं होगा इतना अंडर पावर करते गए, ये इंजन पैपी होने वाला है क्योंकि जो टॉर्क का और RPM का खेल अब की बार इन लोगों ने करा है वो कहीं ना कहीं इसको पैपी थोड़ा सा बना देगा। तो ऑब्वियसली बात है, मैं ये तो नहीं बोलूंगा बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आप उसको पावर डिफरेंस देखने को मिलेगा कि हाँ पिछले वाली स्विफ्ट थोड़ी कम चलती थी तेज, नहीं वैसा नहीं मिलेगा, बट हाँ फिर भी आप लोगों को इसकी जो मतलब एवरेज है स्पीड है उसमें
इतनी दिक्कत नहीं आने वाली है, अच्छा खासा जो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो माइलेज है वो बढ़ा दी गई है, केवल 25 की आपको माइलेज मिलने वाली है, तो ये आइसिंग ऑन द केक है। बट ये एक मेरे को चीज बहुत ज्यादा गलत लगी, ये है कि मारुति कहीं अपने इस खेल में खुद ना डूब जाए कि वो माइलेज बढ़ाने के चक्कर में अपने इंजन छोटे कर रहे हैं, जबकि दूसरी जो कंपनी है वो टर्बो की तरफ भी काफी ज्यादा जाने लग रही है। हालांकि फ्रॉन्क्समैन ने काफी अच्छा करा था टर्बो देके, बट स्विफ्ट में भी एक टर्बो वेरिएंट या फिर हाइब्रिड वेरिएंट दे दिया जाता तो चीज काफी ज्यादा अच्छी होती। इसी के साथ साथ हमारे पास कुछ और इमेजेस भी आई हैं इसकी। गाड़ी जो है सिल्वर कलर एंड बहुत सारे दूसरे कलर्स में जो है वो लीक हो चुकी है। इसके रिम वगैरह आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, वैसे ही कुछ रिम आने वाले हैं। गाड़ी जो 9 को लॉन्च हो जाएगी, डीलर्स पे ऑलरेडी पहुंच चुकी है। अब डीलर पे पहुंचने का खेल मारुति सिंपल यहाँ पे ये है कि ये लोग चाहते हैं कि जिस दिन ये गाड़ी लॉन्च कर दे, यानी कि 8 तारीख को आपको मोस्ट ऑफ द शोरूम्स में डिस्प्ले को देखने को मिल जाएगी, 9 तारीख को जो गाड़ी है यहाँ पे लॉन्च करी जाएगी, एंड 10 तारीख से जो आप लोगों को डिलीवरी इस गाड़ी की देखने को मिलने वाली है। कुछ लोग तो जो है अभी भी इसको डिलीवरी रेडी बता रहे हैं, यानी कि अगर आपको डिलीवरी चाहिए तो वो लोग डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कितना ऑथेंटिक है ये, साइड में आपको देख रहा होगा तो कुछ जगहों पे जो है डिलीवरीज ऑलरेडी इस गाड़ी की स्टार्ट कर दी गई हैं, तो ये चीज भी काफी ज्यादा अलग है जो मेरे हिसाब से है। खैर गाइस, बात करते हैं यहाँ पे और चीजों की। तो देखिए आपको लुक्स भी दिख रहे होंगे कि जो इसके VXI वेरिएंट है वो वाले भी और काफी सारे वेरिएंट जो है वो पहुंच चुके हैं वहाँ पे। बाहर वाले वेरिएंट और इंडियन मॉडल में कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं है, हालांकि इन लोगों ने जो चेंजेस करे हैं वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। जैसे कि आप लोग अगर देख रहे होंगे तो स्पॉइलर जो है वो हटा दिया, जिसकी वजह से जो गाड़ी के लुक्स हैं जो बाहर हमें स्पोर्टियर देखने को मिल रहे थे वैसे स्पोर्टियर लुक जो है इसमें नहीं है। उसके साथ साथ अलॉय व्हील्स का डिजाइन जो है वो चेंज कर दिया है। अंदर की मैं बात करूं तो स्क्रीन व्रीन भी इतनी बड़ी नहीं है, एंड कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि जो एक मारुति को अभी इसमें प्रीमियम इंटीरियर देना चाहिए था स्विफ्ट में, क्योंकि 6,40,000 में दूसरी कंपनी जो है काफी अच्छा दे रही है। अब इसमें 1,00,000 मिला के आपको महिंद्रा की XUV 3XO ही मिल जाएगी, जिसमें आपको टर्बो इंजन देखने को मिलता है, इंटीरियर भी अच्छे खासे मिलते हैं, तो वो आप क्यों नहीं लोगे, जिसमें आपको पावर भी ज्यादा मिलती है एंड मेड इन इंडिया ब्रांड है। एंड इसी के साथ साथ आपको टाटा में भी कई सारी गाड़ी मिल जाती है। तो मारुति का जो ये बोरिंग इंटीरियर है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था। इसी के साथ साथ और कोई खास ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो कुल मिलाकर स्विफ्ट की मैं बात करूं तो स्विफ्ट कहने को तो ये न्यू जनरेशन है, बट इसमें कुछ खास आपको न्यू जनरेशन जैसा देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि स्विफ्ट मॉडिफाई ये काफी अच्छी हो सकती है, अगर आप मॉडिफिकेशन के शौकीन है या फिर जस्ट आपको, हाँ मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, तो आप स्विफ्ट ले सकते हो जाके, कोई बड़ा उसमें खेल नहीं है। बट मेरे से पूछा जाए तो मुझे कुछ खास और चेंज नहीं है। लुक्स में आपको दिख रहे होंगे जो फ्रंट में जो टॉप मॉडल है उसमें आपको हेडलैम्प्स मिलेंगे DRL, एंड उसी के साथ साथ साइड के भी लुक्स करूँ तो इसमें आपको 16 inches के अलॉय व्हील्स देखने को मिलने वाले हैं। पीछे की बात करें तो जो टेल लाइट्स हैं वो फ्रॉम दी बेस एंड मॉडल ही हमें देखने को मिलेगी। कलर ऑप्शंस भी आपको कई सारे इसमें चूज करने को मिल जाएंगे, तो उन सबके बीच में आप लोग चूज कर सकते हो ये वाला वेरियंट। तो गैस लास्ट में अब देखिए बात करूं मैं कि CNG वेरिएंट कब लॉन्च होगा, तो CNG वेरिएंट ये 9 तारीख को लॉन्च हो रही है। CNG जो वेरिएंट है वो जून में एक्सपेक्टेड है कि जून में CNG वेरिएंट में निकाल देगा, बिकॉज मारुति को पता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन आ चुका है, एंड CNG वेरिएंट की जो एवरेज या माइलेज हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं आपको आराम से 35 के आसपास दे सकती है, क्योंकि हाइब्रिड इंजन जो है, सॉरी हाइब्रिड नहीं है, ये वाला जो इंजन है 3 सिलेंडर में काफी ज्यादा एफिशिएंट है, बट वहीं पे आपको पावर फिगर्स में थोड़ा बहुत खेल जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो देखिए गाइस, कुल मिलाकर ये थी हमारी मारुति सुजुकी स्विफ्ट फेसलिफ्ट के एक्सक्लूसिव लीक्स, नहीं बोलूंगा कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे साझा करनी थी आप लोगों के साथ, वो मैंने कर दी है। बाकी कैसी लगी वीडियो मुझे लिख के बताइएगा, और हम लोग मिलते रहेंगे आपसे ऐसी और भयानक भयानक वीडियोस में। तो तब तक के लिए बाय बाय और धन्यवाद, और अपना ख्याल रखिएगा भाई, कहीं ना कहीं पता नहीं कुछ कुछ वायरस फैले हुए, हमें भी खांसी थी आपको ना हो जाए। चलिए बाय बाय, धन्यवाद।